नमस्कार, मन की बात सबके साथ। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री के रेडियो के मासिक कार्यक्रम मन की बात के आज 50 एपिसोड पूरे हो गए, यानी गोल्डन जुबली हो गई। और इन 50 एपिसोड्स के दौरान तमाम विषयों को उठाया गया। प्रधानमंत्री ने कुछ अपने मन की बात कही और कुछ देश के लोगों ने अपनी मन की बात उनसे शेयर की। ये कार्यक्रम वैसे तो मूलतः रेडियो पर प्रसारित हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ये टेलीविजन पर भी सुना गया, सोशल मीडिया पर भी सुना गया और लोगों ने जी खोलकर प्रधानमंत्री से अपने दिल की बात कही। कह सकते हैं कि एक ऐसा संवाद जो कि दो तरफा संवाद था। प्रधानमंत्री ने भी अपनी मन की बात करी और देशवासियों ने भी अपने मन की बात करी। आज स्टूडियो में हमने उन तमाम लोगों को बुलाया है जिन्होंने सवाल उठाए थे, जिन्होंने प्रश्न पूछे थे प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी ने उनका जवाब दिया था। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी उन्होंने सराहा था जिनकी अचीवमेंट्स रही हैं, जिनकी उपलब्धियां रही हैं। ऐसे भी तमाम लोगों को हमने आज स्टूडियो में इनवाइट किया है जो कि आज हमारे साथ यहां बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है देश की जनता जनार्दन का। जोरदार तालियां बजा के हम अपना ही अभिनंदन करेंगे यहां पर। और देश की जनता के साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में दो विशिष्ट मेहमान भी पधारे हैं। आइए पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ प्रसून जोशी जी यहां पर बैठे हैं, जाने माने कवि हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं, एड गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानते हैं कि तमाम जो सामाजिक भूमिका जो है उसको निभाने में कभी पीछे नहीं हटते। बहुत बहुत स्वागत है प्रसून जोशी जी आपका। और हमारे साथ यहाँ डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश जी बैठे हुए हैं जो कि प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, और उनसे हम भी जानेंगे कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का जो हमने देखा है इस्तेमाल, जिससे देश की जनता जो है जुड़ पाई प्रधानमंत्री जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। इन सबसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले आइए जरा मन की बात में, 50 एपिसोड हो गए देखते ही देखते, आखिर कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो इस कार्यक्रम के द्वारा उठाए गए, आइए जरा उस पर एक नजर डाल लें। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 50 एपिसोड पूरे हो गए। देश के 95% से ज्यादा लोगों तक पहुंच वाले इस माध्यम से उन्होंने राष्ट्र से मासिक संबोधन की श्रृंखला आरंभ की, जो अपने आप में एक अनोखा और बेहद सफल प्रयोग था। पहले एपिसोड में ही प्रधानमंत्री ने लोगों से खादी के उत्पाद इस्तेमाल करने का आग्रह किया। उनकी इस अपील का असर ये हुआ कि एक हफ्ते के अंदर ही खादी के उत्पादों की बिक्री में 125% का इजाफा हो गया। जनवरी 2015 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ रेडियो पर मन की बात साझा की। ये एपिसोड बहुत चर्चित रहा। स्वच्छता के जन आंदोलन को आगे बढ़ाने और सशक्त बनाने में मन की बात का बड़ा योगदान रहा। सितंबर 2015 में मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने लोगों से एलपीजी की सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। इसके बाद पूरे देश में अब तक करीब 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी एलपीजी की सब्सिडी छोड़ चुके हैं। मन की बात कार्यक्रम के जरिए बहुत से नए अभियान भी शुरू हुए और कई पुराने अभियानों को नया जीवनदान मिला। इस कार्यक्रम ने एक नई सामाजिक चेतना की भी शुरुआत की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की ओर से उठाए गए विषयों में स्वच्छता, खेल, योग, परीक्षा में छात्रों को समर्थन, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, सेल्फी विद डॉटर, इनक्रेडिबल इंडिया, फिट इंडिया, संदेश टू सोल्जर और एग्जाम फीवर को दूर करने के लिए जहां पीएम ने दी छात्रों को टिप्स, खास रहे। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश और समाज के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे नायकों के योगदान को सराहा और मन की बात में उनका जिक्र किया। आज ये लोग पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गए हैं। ये कार्यक्रम भले ही रेडियो पर प्रसारित होता हो, लेकिन सोशल मीडिया और टीवी पर भी ये एक अत्यंत सफल कार्यक्रम बन चुका है। कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2017 में स्वयं ही इसका सार प्रस्तुत करते हुए कहा था, मुझे लगता है अगर मुझे लोगों की भावनाओं को न्याय दिलाना है तो मुझे मन की बात कार्यक्रम प्रत्येक दिन करना होगा। तो कार्यक्रम की खास बात ये रही कि राजनीति की गंध इस प्रोग्राम में कभी नहीं आई। तमाम तरह के सामाजिक आंदोलनों को इस कार्यक्रम ने खड़ा किया। लोगों ने तमाम ऐसे विषयों पर बातचीत करना शुरू किया जिस पर पहले बातचीत कम होती थी या होती ही नहीं थी। आइए जरा देख लें कि आज प्रधानमंत्री ने अपने 50वें एपिसोड में इस प्रोग्राम के बारे में
क्या कुछ कहा। कभी कभी लोगों के मन में सवाल उठता है कि मन की बात से मुझे क्या मिला। मैं आज कहना चाहूंगा कि मन की बात के जो फीडबैक आते हैं उसमें एक बात जो मेरे मन को बहुत छू जाती है, अधिकतम लोगों ने यह कहा कि जब हम परिवार के सब लोगों के साथ बैठकर के मन की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का मुखिया हमारे बीच में बैठ करके हमारी अपनी ही बातों को हमारे साथ शेयर कर रहा है। जब ये बात मैंने व्यापक रूप से सुनी मुझे बहुत संतोष हुआ कि मैं आपका हूं, आप में से ही हूं, आपके बीच हूं, आप ही ने मुझे बड़ा बनाया है और एक प्रकार से मैं भी आपके परिवार के सदस्य के रूप में ही मन की बात के माध्यम से बार बार आता रहूंगा, आपसे जुड़ता रहूंगा। आपके सुख दुख मेरे सुख दुख, आपकी आकांक्षा मेरी आकांक्षा, आपकी महत्वाकांक्षा मेरी महत्वाकांक्षा, आइए इस यात्रा को हम और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मन की बात सबके साथ आज साझा करेंगे, हमारे साथ प्रसून जी बैठे हुए हैं। प्रसून जी, आप सुनते हैं मन की बात? जी, कई एपिसोड सुने हैं मैंने। और क्या क्या विशेष लगता है आपको उनमें? जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि एक ऐसा एहसास होता है कि और भी आपके यहाँ बहुत से लोग हैं जो अपने अनुभव आपको बताएंगे कि आपको एक व्यक्ति जिसके पास, जिसे हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा व्यस्त व्यक्ति होना चाहिए, वो समय निकाल कर जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा भी कर रहा है वो व्यक्ति, जिन्हें आप परिवार का मुखिया कहते हैं, जिन्होंने और उसके बाद उन लोगों को एक्नॉलेज भी किया जा रहा है जो लोग काम कर रहे हैं। तो एक तरह का मुझे लगता है जुड़ाव जो होता है लोगों के जनमानस से जो जुड़ने का की एक प्रक्रिया होती है। ये क्या है कि वो है कि हम नीची नजर करके देखत है चरण तुमरे, तुम जाई के बैठे हो का ऊंची अटरिया मां। ऐसा नहीं होता, सही कह रहे हैं। आपको लगता है कि आप को आलिंगन किया जा रहा है, आपसे हाथ मिलाया जा रहा है, आपकी आंख में आंख डालकर कोई आपकी समस्याएं सुन रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। तो एक जुड़ाव की प्रक्रिया जो इससे शुरू होती है वो मुझे बहुत सुंदर लगती है इसमें। जी, हमारे साथ डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी हैं, प्रसार भारती के अध्यक्ष। खासतौर से रेडियो का माध्यम जब प्रधानमंत्री ने चुना, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि साहब रेडियो तो अब है ही नहीं, खत्म हो गया, अब तो टीवी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन रेडियो को रिवाइव कर दिया। हाउ डू यू सी दिस, यू नो, द जर्नी ऑफ मन की बात? पीपल कॉल इट द सेकंड कमिंग ऑफ द रेडियो। जी, and I think the Prime Minister has contributed phenomenally for reviving radio and for taking Akashwani and All India Radio to a new level altogether with this program. First of all, I want to thank the Prime Minister for having chosen Akashwani as the platform. For us in Prasar Bharati, that is very, very special. The other thing I want to say about this program is that it is unique because no other prime minister had tried this out. Second, you know, there's a political scientist called James Neville. He said, good democracy is all about the maximizing the influence of the citizen on governance. If you see Mann Ki Baat, that is what the prime minister tries to do, maximizing the influence of every citizen in the whole process of governance. And secondly, accountability of the governor to the governed. ये दो चीज आप मन की बात में हर एक एपिसोड में आप देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि I think he is a phenomenal motivator and he is not talking down. He is the prime minister, the person at the top, and he reaches out to the last man. There is no talking down. It is a friendly chat. It's like the chat of an elder in the family. And the tone. And in fact, I think he also has a good voice for radio, which adds value to that. Because voice is very critical in a medium like that. The other most important thing is, though it's a radio program,
It has transformed into a television program and social media and so on, across media. तो आप लोगों के लिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग होगा कि एक तो प्रधानमंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम को और तमाम चिट्ठियां आ रही हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी होंगे, तो कुल मिला के ये प्रोग्राम कितना चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए, खासतौर से आकाशवाणी के लोगों के लिए, दूरदर्शन के लोगों के लिए? फॉर आकाशवाणी ऑफकोर्स वन इज द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस, देन इफ यू कम टू दूरदर्शन you got to lay the visuals to that. I remember the episode of Barack Obama, many episodes. Brilliant. You see, we get the script ahead. So you have time to lay visuals. Absolutely brilliant. There was this girl, for example, who said that she does not want gifts to be given to the guests in her wedding. The gift should be a mango plant sapling. So you see that photograph, all the guests sitting with the sapling of a mango. And the Prime Minister said, this is, you know, something unique which we must all think of. So when you translate it to the visual medium, it has amazing impact. इट इज अमेजिंग, नो डाउट. और हमारे साथ यहाँ तमाम वो लोग बैठे हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने जिनके सवालों को लिया या जिनकी उपलब्धियों को उन्होंने सराहा. आइए जरा मुलाकात करें. हमारे साथ सोईदुल लस्कर साहब हैं जो कि कोलकाता से आए हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका लस्कर जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम में. और सोईदुल लस्कर के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा उनकी उपलब्धियों के बारे में, आइए जरा देख लेते हैं. समय पर इलाज न मिलने के कारण कोलकाता के कैब चालक सईदुल लस्कर की बहन की मृत्यु हो गई. उन्होंने अस्पताल बनाने की ठान ली ताकि इलाज के अभाव में किसी गरीब की मौत न हो. सईदुल ने अपने इस मिशन में घर के गहने बेचे, दान के जरिए रुपये इकट्ठे किए, उनकी कैब में सफर करने वाले कई यात्रियों ने दिल खोलकर दान दिया, एक इंजीनियर बेटी ने तो अपनी पहली सैलरी ही दे दी. इस तरह से रुपये जुटाकर 12 वर्षों के बाद आखिरकार सईदुल लस्कर ने जो भगीरथ प्रयास किया वो रंग लाया. जोरदार तालियां बजनी चाहिए सईदुल लस्कर जी ने जो जो करकर दिखाया है. सईदुल लस्कर, आप टैक्सी चलाते थे, आपकी बहन की मृत्यु हुई जैसे कि प्रधानमंत्री ने हमें बताया, उस समय क्या गुजर रही थी आपके पास? जाहिर है संसाधनों का भी अभाव रहा होगा. प्रधानमंत्री है जी, तो उनको मैं मानता हूं. और पहले जो सुना है, जो ये मेरा विश्वास नहीं है जी, प्रधानमंत्री मेरे के बारे में इंडिया को, तमाम दुनिया को बात करेंगे. तो ये बताइए कि जिस प्रकार से आपने इतना स्ट्रगल करके आपने एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया, क्या बाकी लोगों को भी प्रेरणा दे रहा है? हाँ, वो तो प्रेरणा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जो आप ये देशवासी को ये बताया, उनको मेरा मन में बहुत ख्याल आता है. जो छोटो गांव के एक काम के लिए इंडिया को बताया तो बहुत अच्छा लगा. तो अभी कितने बेड्स वाला हॉस्पिटल है आपका? मेरा 50 बेड का करने का इरादा है, लेकिन जब शुरू किया लेकिन अभी तक मन में बहुत अनुप्रेरणा हो गया. अभी वो हॉस्पिटल और बहुत बढ़ाएगा. उन्होंने जॉब मेरा बारे में बोला, हम मारूफा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड जेरियाटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएगा. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. बैठिए, एक बार जोरदार तालियां लस्कर साहब की इस एफर्ट के लिए जो उन्होंने लगाया है. और हमारे साथ इस समय दिलीप चौहान जी भी बैठे हुए हैं जो कि अहमदाबाद से आए हैं. आइए जरा देख लें कि प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से उनका सवाल लिया, क्या जिक्र किया. अहमदाबाद गुजरात के दिलीप चौहान जो एक विजुअली चैलेंज टीचर है, उन्होंने अपने स्कूल में एक्सेसिबल इंडिया डे उसको मनाया. I'm a visually challenged teacher and I address the 2000 children on the issue of disability and how we can spread awareness and help differently able people, and students' response was fantastic. We enjoyed in the school and students were inspired and motivated to help the disabled people.
तो दिलीप चौहान जी यहाँ हमारे साथ हैं। दिलीप जी ये बताइए कि मन की बात आप कितना रेगुलरली सुनते हैं? ऑलमोस्ट ऑल द एपिसोड्स। कितनी आपको प्रेरणा मिलती है? जैसे कि हम जानते हैं कि आप पूरी तरह से दृष्टिबाधित लोगों के लिए समर्पित हैं, आप टीचर भी हैं। बहुत प्रेरणा मिलती है और आई थिंक प्रेरणा का सोर्स भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही है कि वो भी निस्वार्थ भाव से आम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी जहाँ भी पोजीशन है हमारी और हम जो भी कंट्रीब्यूट कर सके हमारे नेशन बिल्डिंग में या सोसाइटी के बिल्डिंग में, तो वहीं से प्रेरणा मिलती है ज्यादातर। तो जब प्रधानमंत्री जी ने आपका ये बात ली थी, क्या उस समय आप सुन रहे थे उन्हें? यस, आई वॉज लिसनिंग। तो क्या कैसा आपको लगा उस वक्त जब ये सवाल आपका लिया गया? एक्चुअली जब मैंने मैसेज रिकॉर्ड किया था तो मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि मेरा जरूर लिया जाएगा, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कम, लिया जाएगा। और वो दिसंबर 2015 में ये टेलीविज्ड हुआ था और उस समय मैं सुन भी रहा था। सुन भी रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अमीय जोशी और प्रसन्ना कंबुजे हैं। अमीय जो हैं वो पुणे से आते हैं और प्रसन्ना कर्नाटक से आते हैं। इन्होंने भी एक सवाल उठाया था बहुत ही रेलेवेंट, जो कि रोड सेफ्टी के ऊपर था। आइए जरा देखें प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से उसका उल्लेख किया। बेंगलुरु के होशाकोटे अक्षय हो, पुणे के अमीय जोशी हो, कर्नाटक के मूरबिद्री के प्रसन्ना कंबुजे हो, इन सब ने, यानी काफी लोगों के हैं नाम, मैं सबके नाम तो नहीं बता रहा हूं, इस विषय पर चिंता जताई है और कहा है। आप सबकी चिंता सही है और जब आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो हृदय हिल जाता है। हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण हर 4 मिनट में एक मृत्यु होती है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है, करीब करीब एक तिहाई मरने वालों में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान होते हैं। तो अमीय जोशी हमारे साथ हैं और प्रसन्ना कंबुजे हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्यों आप लोगों ने इस विषय को सोचा कि ये मन की बात में विषय जाना चाहिए? आज जो है अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं और ट्रैफिक ये सबके लिए समस्या बनती जा रही है। तो ये देखा जाए तो ऐसा है कि लोगों को रूल्स फॉलो करने हैं नहीं करने हैं, ऐसे अलग अलग होते। लोग पहले देखते पुलिस नहीं है फिर सिग्नल तोड़ते हैं, तो कहीं पर लोगों ने खुद से सुधरना चाहिए। और दूसरा जो है इम्प्लीमेंटेशन ठीक होना चाहिए। जब एक बार डंडा पड़ेगा, दो बार पड़ेगा, तब लोग अपने आप खुद से सुधर जाएंगे और इससे जो है ट्रैफिक प्रॉब्लम जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसमें बहुत सारा कंट्रोल आ जाएगा और इससे सबको उसका बेनिफिट होगा। तो प्रधानमंत्री का जो ये प्लेटफॉर्म है मन की बात, उसमें आपने क्यों सोचा कि मैं इस विषय को उठाऊं? मैं जो है मन की बात से पहले भी कई अलग प्लेटफॉर्म पे लिख रहा था गवर्नमेंट को, जब मन की बात था भी नहीं कुछ सालों पहले भी खत लिख के, या जब मन की बात माई जीओवी प्लेटफॉर्म आया तब ये लिख के, मेरे बाकी भी कई सजेशंस कोई पॉलिसी में गए हैं। अच्छा। जैसे नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी में कुछ सजेशंस गए हैं जो माई जीओवी प्लेटफॉर्म से गए थे। तो मैं इस पर बहुत बार लिख रहा था, उससे पहले भी लिख रहा था, उसके बाद में भी लिखते आ रहा हूँ बहुत अलग विषयों पर। ये एक विषय था जो मोदी जी ने खुद से उठा के नाम भी लिया। जी आप बताइए, आपने भी ये विषय उठाया, क्या आप लोग खुद कुछ कर रहे हैं रोड सेफ्टी के लिए, ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए और रैश ड्राइविंग को रोकने के लिए? मुझे ये मुद्दा उठाना पड़ा कि हर महीने हर हफ्ते एक दो एक्सीडेंट्स में मैं वहीं पे मौजूद होता था और बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है किसी और की गलती से किसी दूसरे को उसके प्रॉब्लम्स उठाने पड़े। इन सब के वजह एक है कि लोगों के मेंटालिटी, उसमें बदलाव आना है। और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी ये पहली बार ऐसा हो रहा है इंडिया में कि वो पब्लिक के लिए सुनने के लिए अपने कान को खोल के बैठे हैं और पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म दिए हैं। प्रसून जी, जिस तरह से ये लोग सब बता रहे हैं कि माई गव पे भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मन की बात में ही उन्होंने अपना सवाल रखे हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, मतलब हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने आते ही इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बनाया जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और एक टू वे कम्युनिकेशन शुरू हो रहा है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके सजेशंस को लिया भी गया है तमाम पॉलिसी मेकिंग के लिए। देखिए, हम एक चीज टर्म यूज करते हैं 360। मुझे लगता है कि मन की बात का जो मूल है वो एक 360 कैंपेन है। ये एक रेडियो प्रोग्राम नहीं है, ये एक तरह की एक धारा है, एक वेव है और उस वो अलग अलग रूपों में लोगों के जीवन को छूती है, चाहे वो
डिजिटल माध्यम से जाए, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जाए, उसके मूल में सबसे जो भावना है वो लोगों से जुड़ने की, जो मैंने पहले कहा वो प्रधानमंत्री जी की जो मूल भावना जुड़ने की है वो यहाँ परिलक्षित होती है। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, और शायद यही होता है जब आपको फीडबैक मिलता है अपने कार्यक्रम के बारे में, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चे से लेकर हम अंदर से सब, हम लेके सबके अंदर एक बच्चा ही होता है, जब बच्चे से कहते हैं शाबाश बहुत अच्छा किया तूने, तो वो अगले दिन और मेहनत करता है। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है इससे कहीं ना कहीं एक चेन रिएक्शन, एक श्रृंखला बनती है। आपको देख, आप तो खुद ही मोटिवेट होते हैं अपना नाम सुन के, आपका नाम सुन के कई और लोग मोटिवेट होते हैं, और मुझे स्वयं, मैं कई कैंपेन से जुड़ा हूं, स्वच्छ भारत से जुड़ा हूं, और भी कई इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़ा हूं, तो मुझे खुद लगता है कि देखिए कितनी चेतना जागृत हो रही है, अपने अपने संसाधनों से, अपने अपने सुविधाओं से लोग किसी तरह, किस तरह से काम कर रहे हैं, तो शायद एक प्रेरणा की श्रृंखला बनती है जी। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, खासतौर से एज अ कम्युनिकेटर आप प्रधानमंत्री जी को किस प्रकार से देखते हैं, अलग अलग विषयों को जिस तरह से वो उठाते हैं, उस दृष्टि से आप क्या कहेंगे? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इसको मजबूत करने का ये बहुत बड़ा प्रयास है, ये जो हुआ है मन की बात में। आप देखिए ये लोग, द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग एंड द मोटिवेशन दे प्रोवाइड टू अदर पीपल, जब मैं ये सुनता हूं एवरीवन गेट्स मोटिवेटेड बाय दैट। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी बार बार हमारा डॉक्टर अंबेडकर के जिक्र करते रहते हैं। अंबेडकर साहब ने एक चीज कहा, सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चलेगा, इट हैज टू बिकम अ सोशल डेमोक्रेसी। मतलब एट अ सोशल लेवल, आप जन्म में आपका सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति जो भी हो, बिल्कुल वो बड़ा सपना होना चाहिए, काम करना चाहिए और वहां पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बार बार हर एक एपिसोड में ये बात प्रधानमंत्री ये कहते हैं, और लोग भी उत्साहित होके उसका बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स आपको मिलता है। जी हाँ, ये बात सही है कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने में पार्टिसिपेशन की बात, वो बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेशन की, अगर हम एक नई जो जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज हम जो देख रहे हैं, जो रूप लोकतंत्र का देख रहे हैं, उसमें जो नई चीज मुझे अच्छी लगती है और जो इस कार्यक्रम में साफ दिखती है आपको, कि लोगों का पार्टिसिपेशन के बिना लोकतंत्र सही रूप में नहीं चल सकता। कि ये आपने ऐसा नहीं किसी को अपॉइंट कर दिया है कि अब ये बात हमारी आउटसोर्स हो गई, ऐसा लगता है कि लोग उसमें भागीदारी करना चाहते हैं और स्वयं अपना रोल देखते हैं देश को बेहतर बनाने में। हाँ। वो एक नई चीज है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये सकारात्मक वातावरण, हाँ, ये सृष्टि करना, आई हैव नॉट सीन अ पॉलिटिकल लीडर हु इज विथ सच डिटर्मिनेशन, हर महीने एक करना और सबको जोड़ना। अच्छा, और मुझे ये भी लगता है कि जो लोग इससे जुड़ रहे हैं, मतलब वो समाज के तमाम उस पर खड़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जो कहीं हाशिए पर हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चल रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि कई बार हम सोचते हैं कि साहब कार्यक्रमों से कौन, पढ़े लिखे लोग जो संपन्न हैं अच्छे घरों के, उनको क्या जरूरत है कार्यक्रम से जुड़ने की, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि तमाम लोग इससे जुड़े, ये एक इसकी मुझे लगता है बहुत बड़ी खूबी है। बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि इस देश की विविधता जो है, उस विविधता को आप हर एक एपिसोड में आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ शर्मिला घारपुरे जी हैं, जो कि मुंबई से आती हैं, और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात अपनी रखी थी। आइए जरा पहले देख लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था। मैं शर्मिला घारपुरे बोल रही हूँ मुंबई से। मेरा आपसे स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के बारे में सवाल है। जिससे एजुकेशन सेक्टर में पिछले बहुत वर्षों से सुधार की जरूरत पाई गई है, पर्याप्त स्कूलों का या कॉलेजेस का न होना, या फिर शिक्षा में एजुकेशन की क्वालिटी न होना, ऐसा पाया गया है कि बच्चे अपना एजुकेशन पूरा भी कर लेते हैं, उन्हें फिर भी अक्सर बेसिक चीजों के बारे में पता नहीं होता। और शर्मिला घरपुरे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है शर्मिला जी। आपने मन की बात में अपना ये बात कही, खासतौर से शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर, क्यों आपने ये विषय उठाया? तो दिस वाज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट दैट आई हैड आस्क्ड द क्वेश्चन। आई हैव बीन वर्किंग विथ अ ग्रुप ऑन स्वच्छ भारत। वी हैड अडॉप्टेड अ ब्रिज एंड इन मुंबई, एंड वी यूज टू वेरी गुड डेली वी यूज टू गो देयर एंड क्लीन इट। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस पहले भी मैंने पूछे थे, बट ये सवाल चुन लिया गया।
तो दिस वाज हाउ इट वाज. तो आप सुन रही थी उस वक्त जब प्रधानमंत्री यस मैं सुन रही थी. तो क्या इस दिशा में कुछ प्रयास खुद भी कर रही हैं? नहीं, एजुकेशन के बारे में नहीं, लेकिन मैं स्वच्छ भारत पे मैंने जैसे कहा मैं बहुत मैंने काम किया है मेरे और मेरे ग्रुप ने. तो 1.5 साल तक हमने वो ब्रिज पे लगभग हम 3 दिन वीक के जाते थे वहां पे सुबह या जैसे समय मिलता था. अच्छा. और वो ब्रिज साफ करते थे. देन वी ब्यूटीफाइड दैट ब्रिज और वहां पे हमारे जो लोक प्रतिनिधि है उनको प्रेशराइज करके वो ब्रिज को प्रॉपरली लाइटिंग और वो जो जरूरी चीजें थी वो प्रोवाइड करने के बाद फिर हमने वो काम अभी बंद किया है. मेरे ख्याल से तालियां बजनी चाहिए उनके एफर्ट के लिए. जिस तरह से आजकल लोग कहते हैं कि समय नहीं है उनके पास तो कुछ करने का, और किस प्रकार से समय का सदुपयोग किया जा सकता है अगर आपके पास में एक इंस्पिरेशन हो. हम खुद श्रमदान करके साफ सफाई करेंगे तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज बैठिए. और हमारे साथ अहमद अली जी भी हैं. अहमद अली रिक्शा चलाते हैं लेकिन उन्होंने स्कूल बनाए हैं. बहुत बड़ी बात. किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया ये जरा पहले नजर डालें. असम के करीमगंज के एक रिक्शा चालक अहमद अली ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर गरीब बच्चों के लिए 9 स्कूल बनवाए हैं. तब इस देश की अदम्य इच्छा शक्ति के दर्शन होते हैं. मेरे ख्याल से जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे. अहमद अली जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. अहमद अली जी, रिक्शा चलाते चलाते स्कूलों का ख्याल आपको कैसे आया? हमारे साथ सुविमल चटर्जी हैं जो कि इनकी बात को ट्रांसलेट करके हमें थोड़ा सा बताएंगे. जी जी नीलम जी, देखिए उन्होंने ये बताया. हाँ. कि हम गांव में दिन में रिक्शा चलाते हैं, रात को मिट्टी करते हैं. अच्छा. और ये आते हैं पथारकांदी नाम का एक छोटा गांव जो त्रिपुरा बॉर्डर में असम से, और करीमगंज शहर में रिक्शा चलाते थे और देखते थे कि अपने गांव के कुछ लोग जो टीचर उचर के घर के सामने रिक्शा लेके जाते थे और देखते थे कि उस शहर में लोग पढ़ पाते हैं अपने गांव में नहीं पढ़ते. तो 1978 में इन्होंने फर्स्ट स्कूल स्टार्ट की थी. आज तक इनके 9 स्कूल है. तो कितना कितना आपको इसके लिए, जाहिर है जो संसाधन थे, पैसे तो थे नहीं आपके पास अपने गुजारे के लिए भी, कैसे आपने ये संसाधन जुटाए अहमद अली जी? सारा दिन तो रिक्शा चलाता हूँ, रात के माठे खाटे था बसाए बसाए रिक्शा चलाए चलाया करीमगंजर बसाइनते बसाइनते माठे खाटिया हमें इकम करतम. तक हमें हमार आईलो इच्छा बोली स्कूल जो करी स्कूल तो जब पीएम साहब ने जिक्र किया आपके इस एफर्ट को सराहा तो आपको उस वक्त कैसे लगा कि आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था? प्रधानमंत्री देखो हमारे मन की बात तो खोई तो हमें जवान हो गए हमारे 82 बच्चों हमारे 82 बच्चों बस. अमित साहब बता रहे कि दिन में तो रिक्शा चलाते और रात को मिट्टी काटते और शहर में देखते थे लोग पढ़ाई के पीछे कैसे दौड़ते हैं रिक्शा में, वो बहुत छात्रों को लेके जाते. जब उन्होंने स्कूल एक शुरू किया तो इतना उत्साह मिला और आर्ट उन्होंने किया. और आज जब ये मन की बात में प्रधानमंत्री ने इनकी जिक्र किया, इसके बाद से लोग उनके पास दुआ लेने आते, मदद देने आते, सब कुछ. और आप तो समझ गया कि हम जवान हो गए 82 साल वयस में. जी, मेरे ख्याल से आपका जो एफर्ट है वो काबिले तारीफ है. जोरदार तालियां एक बार अहमद अली जी के लिए वापस से. प्रसून जी, ये वो लोग हैं जो कि देश के छोटे छोटे जगहों से आते हैं और छोटे छोटे संसाधन, मतलब छोटे भी नहीं, इनके पास है ही नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है. इस इच्छा शक्ति का जिक्र किया आपने. बहुत ये दिल को छू जाने वाली आपके जी के प्रयास है. और मुझे तो ये लगता है कि मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को कहना चाहता हूं कि ये हैं हमारे देश के रियल हीरोज. सही बात है, बिल्कुल. और आने वाले लोगों को, आने वाले दिनों में अगर आप कुछ बन कहते हैं, हम सुनते रहते हैं ना कि मैं ये बनना चाहता हूं और वो बनना चाहता हूं, ऐसे इंसान बने आप. सही है. और ऐसे इंसानों को अगर प्लेटफॉर्म मिलता है और देश के प्रधानमंत्री उनको एक्नॉलेज करते हैं तो वो एक काबिले तारीफ बात है. क्योंकि इससे मुझे लगता है आने वाले और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि ऐसा काम. दीज आर द रियल हीरोज. वी हैव टू चेंज एंड रीडिफाइन द हीरोज वी लुक अप टू. एंड आई वॉन्ट, आई थिंक थ्रू दिस द मैसेज गोज टू पीपल दैट अगर
आप और ये देखिए ये लोग निस्वार्थ भाव से करते हैं, ये आपके कार्यक्रम में आने के लिए कोई इनमें से किसी ने कार्य नहीं किया है, ये तो बाय प्रोडक्ट है, अच्छा काम होता है तो उससे कोई और अच्छा काम निकलता है। वी आर इनफैक्ट वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर रादर देन यू नो यू वी आर ऑनरिंग यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अभिषेक पारिक यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि अजमेर से आते हैं, इन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। श्रीमान अभिषेक पारिक ने मुझे कहा है कि हमारी युवा पीढ़ी में बहुत बड़ी तेजी से नशे का सेवन, ड्रग्स की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप इस विषय पर अपने मन की बात में जरूर चर्चा करें। मैं उनकी इस पीड़ा से सहमत हूं। तो अभिषेक पारिक हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, ड्रग्स का आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया था, क्या आप उस वक्त रेडियो सुन रहे थे जब पीएम ने इसका जिक्र किया था? 2011 से मैं विजयनगर सर्विस करता था, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का, तो ट्रेन में हमारा आना जाना होता था, तो उस समय देखता मैं कुछ बच्चों को जो रेगुलरली अपना कप शर्ट निकाल करके वहाँ पोचा मार के पैसा कलेक्ट करते। स्टार्ट में तो हम लोगों ने भी सोचा ठीक है देते हैं 5-10 रुपए निकाल देते हैं, बट एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि 4-5 बच्चों को देखा और उनको रोका और मैं कुछ करने की कोशिश करने लगा तो दोस्तों ने कहा अरे रहने दो यार फंस जाओगे, फिर भी नहीं माना। स्टेशन मास्टर के पास गया, स्टेशन मास्टर से हेल्प ली, फिर पुलिस थाने में ले गए, फिर आगे लंबा चौड़ा प्रोसीजर था और फिर मैं रुका नहीं, कंटिन्यू। और आज अजमेर बेगर फ्री है, मुझे इस बात का गर्व है। केवल सोशल वर्क में केवल ड्रग मैंने इसका एक इश्यू उठाया था मैंने, उसके अलावा कंटिन्यू मैं इश्यूज उठाता रहता हूँ जिसमें स्वच्छता संबंधित बात है, और उसके अलावा स्टार्टअप स्टैंडअप योजना, मुद्रा योजना, डिजिधन का हमने लिटरेसी कैंपेन चलाया था। ओके तो ये सारे, और जब किस्मत देखिए जब प्रधानमंत्री जी मन की बात पर मेरा नाम ले रहे थे, मेरी बात को बोल रहे थे और मैं नाली साफ कर रहा था, क्या बात। मेरे ख्याल से इनके इस एफर्ट को भी सराहना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और गौतम पाल जी भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं जो कि मेरठ से आते हैं। गौतम पाल करके व्यक्ति ने एक चिंता जताई है, उसने कहा है कि जो स्पेशली एबल चाइल्ड होते हैं उन बालकों के लिए नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, पंचायत हो, उसमें कोई न कोई विशेष योजनाएं होती रहनी चाहिए, उनका हौसला बुलंद करना चाहिए। मुझे उनका यह सुझाव अच्छा लगा। तो गौतम पाल जी, ये सुझाव आपने जो प्रधानमंत्री जी तक भेजा था उसके पीछे की क्या कहानी थी? मैडम, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि मन की बात एंड माई गॉफ मेरे लिए इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस। मुझे पहली बार लगा एक ऐसी सरकार है जो एक रिमोट कंट्रोल की सरकार है और रिमोट मेरे हाथ में है, मतलब जनता के हाथ में है। मेरे को एहसास हुआ कि मैं सरकार को चलाता हूं, मुझे लगा कि मैं कुछ कह रहा हूं, मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं तो सरकार सुनती है और बकायदा उसके ऊपर स्टेप भी लिया जाता है। तो दैट इज माई फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मैं डीडी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज के डेट में ना जनतंत्र का मतलब ये हो गया कि सरकार का मजाक उड़ाओ, चुटकीले बनाओ, ये सब चलता रहता है टीवी चैनल्स में। क्रिटिसिज्म इज नॉट द डेमोक्रेसी, इट इज नॉट द ओनली फेस ऑफ डेमोक्रेसी। जो एक पॉजिटिविज्म है तो डीडी न्यूज, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि डीडी न्यूज ने इसको लेके आए एक 1.5 घंटा का प्रोग्राम, और हम जैसे लोग, हमको कौन जानते हैं। ठीक कह रहे हैं गौतम जी। और एक बात और प्रसून जी, बहुत बार बहुत सारे लोग, प्रधानमंत्री ने खुद भी उसका जिक्र किया है कि मजाक उड़ाया कि साहब क्या मन की बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि अभी ये कह रहे थे कि ये जो एक चीज है कि आप मजाक उड़ाने लगते हैं किसी चीज का, हमने देखा है कि अपोलिटिकल प्रोग्राम रहा है, कभी किसी राजनीति की गंध हमें इस प्रोग्राम में नहीं आई। ये काम करना भी एक बहुत चैलेंजिंग काम है किसी के लिए। देखिए, मैं तो इस पर यही कहना चाहता हूं कि अपना काम हमको करते रहना चाहिए। जो सकारात्मक सोच के लोग हैं उनको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन्ते जैसे। तो आपको
मन में आपके अगर सकारात्मक भाव हैं तो आपको हर चीज में सकारात्मकता दिखाई देगी और उसी भाव से ये निंदा हो या कोई क्या कहेगा उस सबको परे रख के एक फोकस अटेम्प्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जिसके सामने जिसका लक्ष्य बड़ा होता है और हम सबके मन में कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ करने का लक्ष्य है, उसको मन में रखकर करना चाहिए और वो निंदाओं को एक तरफ नजरअंदाज करके करना। खासतौर पर कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये तो सरकारी कार्यक्रम है, इस तरह कह के भी लोगों ने इसको, नहीं नहीं, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। नहीं नहीं, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये देश के कार्यक्रम है। और दूसरी बात, इसमें 50 एपिसोड हो गया, एक दिन भी एक लव्स पॉलिटिक्स मैं इसमें नहीं सुना। हाँ। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। दूसरी बात, जैसे प्रशन जी ने बताया, दीज आर द रियल हीरोज ऑफ इंडिया। ये लचिन्स दिल्ली जो है, ये मुझे लगता है एक 70 साल ये कब्जा करके रखा था। अब प्रधानमंत्री ने पिछले 3 साल ऑन हिज इनिशिएटिव पद्मा अवार्ड्स में you will see people, the real heroes of India emerging in your list of Padma Awards. That is an extension of this Man Ki Baat. It is very important and this is what inspires other people. बिल्कुल। और मन की बात में छोटे बच्चों ने भी शिरकत की है, उन्होंने भी सवाल पूछे हैं। अवि चतुर्वेदी जो कि दिल्ली से आते हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी अपनी बात पीएम जी को भेजी थी, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अवि चतुर्वेदी है। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, आपने पिछले गर्मियों की छुट्टियों में बोला कि चिड़ियों को भी गर्मी लगती है, तो हमें एक बर्तन में पानी रखकर अपनी बालकनी में या छत पर रख देना चाहिए, जिससे चिड़ियां आकर पानी पी ले। मैंने ये काम किया और मुझे को आनंद आया, इसी बहाने मेरी बहुत सारी चिड़ियों से दोस्ती हो गई। बहुत ही खूबसूरत बात है। अवि चतुर्वेदी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे आप? मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो आपने चिड़ियों से दोस्ती कर ली पक्की? हाँ जी। क्यों आप चिड़ियों से, या क्या आपको वाइल्ड लाइफ से और तमाम चीजों से बहुत प्यार है, नेचर के करीब हो आप? मेरा पूरा परिवार सब लोग साथ बैठे थे तो बालकनी में बैठे थे और मेरे को एक बार ख्याल आया कि हम चिड़िया, जैसे हम लोगों को जब भी प्यास लगती है हम पानी पी लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब चिड़िया पक्षियों को प्यास लगती है वो पानी नहीं पी पाते हैं। तो फिर मेरे को याद आया कि पिछली गर्मियों में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपको पानी चिड़ियों के लिए रख देना चाहिए। अच्छा। तो फिर हम उसी दिन को हम लोग टीवी पे देख रहे थे कि मन की बात से आप अपने बातों को बोल सकते हैं, और फिर मैंने उन्हीं की बात फिर से दोहराई थी टीवी पे, और क्योंकि उस टाइम ज्यादा लोगों ने टीवी पे तो ज्यादा लोगों ने करा नहीं था, ज्यादा लोग पानी नहीं रखते थे, लेकिन उस जब से मैंने बोला उसके बाद से मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखा वो पानी रखते। अभी के बाद हमारे साथ जगत कुमार किमखाबवाला हैं गुजरात से, आइए देखें प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में क्या कुछ कहा। कुछ दिन पहले मुझे गुजरात से श्रीमान जगत भाई ने अपनी किताब भेजी, सेव द स्पैरोज, और जिसमें उन्होंने गौरैया की संख्या जो कम हो रही है उसकी चिंता तो की है, लेकिन स्वयं ने मिशन मोड में उसके संरक्षण के लिए क्या प्रयोग किए हैं, क्या प्रयास किए हैं, बहुत अच्छा वर्णन उस किताब में है। ये किताब जगत कुमार जी ने लिखी है जो कि हमारे साथ हैं, क्या आपको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी इसका जिक्र करेंगे मन की बात में? नहीं, मैंने ये 2008 से मैं सेव द स्पैरो पे काम कर रहा था, और धीरे धीरे उसमें हमें फैमिली को बहुत सफलता मिलने लगी, क्योंकि एक दिन मैंने आर्टिकल पढ़ा कि स्पैरोज वर्ल्ड ओवर एक्सटिंक्ट हो रही है, तो इट वाज अ शॉकिंग न्यूज फॉर मी। तो उसके बाद अभ्यास किया, एक हाइपोथेसिस बना ली कि बचपन में क्या था जो आज नहीं है जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो रही है, तो बचपन का माहौल फिर से हमारे बंगलों में हमने क्रिएट किया और उसके बाद सक्सेस मिलने लगा। तो रेप्लिकेट करने के लिए हमने सब स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉरपोरेट्स और सब जगह पे हमने वर्कशॉप करना शुरू कर दिया कि भाई कोरूगेटेड बॉक्स में से ऐसा नेस्ट बनाओ। स्पैरो का एक लिमिटेड जेनेटिक लिमिटेशन है कि उसको घोंसला बनाना नहीं आता है, तो वो हमेशा एक गैप्स होता है कि जहां वो घास फूस भर देगा और वो अपना नेस्ट बना लेंगे, तो वो सबसे पहले बड़ा कारण था। इसके बाद ये सब सफलता मिलने लगी, लोगों को जागरूक करने लगे, तो
धीरे धीरे उसका बहुत अभ्यास बढ़ गया, तो एक्सपीरियंसेस अभ्यास और वो सब करके फिर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेल्प लेके हमने एक पुस्तक लिखा, जो मैंने एक नॉर्मल पोस्ट में माननीय वडाप्रधान सी को कवरिंग लेटर के साथ भेजा था, जिसके जवाब में चार महीने के बाद उनका सबसे पहले लेटर आया, प्रशंसनीय है बहुत, और उसके बाद ये मन की बात में जिक्र हो। बहुत बढ़िया एफर्ट है प्रसून जी, तो चिड़ियों तक की बात मन की बात में होती है, आप कवि हैं, चिड़ियों से दोस्ती तो आपकी भी होगी। नहीं, जहाँ भी प्राण है देखिए वहाँ पे किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। बिल्कुल, आपने गौरैया के बारे में सोचा, वो विलुप्त हो रही है, उस पर आपने सोचा और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इससे मुझे बड़ी आशा बनती है कि हम एक ऐसे विश्व की कल्पना कर रहे हैं जहाँ चिड़िया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक जीवन, पूरे जीवन का एक जो हमारा चक्र है उसका पूरा एक हिस्सा है ये सब चीजें, हमारा पर्यावरण, हमारे जीव जंतु, मनुष्य के जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। ऐसी ही एक चिंता और जाहिर की हमारे साथ गायत्री हैं देहरादून से, आइए देखें उन्होंने प्रधानमंत्री जी से क्या कहा था। मुझे देहरादून से गायत्री नाम की एक बिटिया ने, जो कि 11वीं की छात्रा है, उसने फोन करके एक मैसेज भेजा है। मैं आपसे अपने मन की बात करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों को यह समझाना होगा कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। मैं रोज उस नदी से होकर जाती हूँ जिसमें लोग बहुत सा कूड़ा करकट भी डालते हैं और नदियों को दूषित करते हैं। वह नदी रिस्पना पुल से होकर होते हुए आती है और मेरे घर तक भी आती है। इस नदी के लिए हमने बस्तियों में जाकर रैली भी निकाली और लोगों से बातचीत भी की, परंतु उसका कुछ फायदा न हुआ। और गायत्री देहरादून से हमारे साथ यहाँ पे हैं। गायत्री को नदी मैली हो रही है, उसकी चिंता है, क्या देखा आपने अपने आसपास? मैंने जो सबसे पहले वहाँ की जो हालत है, लोगों से मैंने सुना था कि जो रिस्पना जो नदी है, पहले उसमें इतना साफ पानी आता था कि लोग उस पानी को पीने तक के लिए यूज करते थे, बट आज उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा जो है दयनीय बन चुकी है। आज के उसमें अगर हम बात करें, गंभीरता से सोचने की जरूरत है इसके बारे में। तो आपने ये कैसे सोचा कि मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूं और वो इसकी चर्चा करें तो शायद सब तक पहुंचेगी बात? जी, हुआ एक दिन ऐसा कि मैं NSS से भी जुड़ी हुई थी, उस टाइम मैं 11वीं कक्षा में थी, तो मैं NSS रैली के लिए गई वहां पर अपने कुछ साथियों के साथ और अपने टीचर के साथ। वहां पर मतलब 2-2.5 घंटा रहना इजी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि और जब मेरे 2-2.5 घंटा रहना वहाँ इजी नहीं था, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रह रहे होंगे वहाँ? बिल्कुल, तो बहुत मुश्किल रहा होगा वहाँ पे। और जो नदी है उसकी जो स्थिति है वहाँ बहुत ज्यादा, एक तरह से दिल में इतना दुख भी हुआ कि फिर लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर घर जब आई, मम्मी ने बताया कि मन की बात में एक तो अपनी बात डाल सकती है, मैंने अपनी ऑडियो सेंड करी थी उनको। फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले जो हमारे साथ मेहमान बैठे हैं वो हैं जिगर ठक्कर। जिगर ठक्कर जिन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं स्विमिंग में, जबकि एक दिव्यांग है। आइए जरा देखें प्रधानमंत्री जी ने कैसे जिक्र किया। पिछले दिनों उदयपुर में 17वीं नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हमारे युवा दिव्यांग भाई बहनों ने इसमें भाग लिया और अपने कौशल का परिचय दिया। उन्हीं में से एक है गुजरात के 19 साल के जिगर ठक्कर। नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में 19 साल के जिगर ठक्कर, जिसके शरीर में 80% मांसपेशी न हो और 11 मेडल जीत जाए। जोरदार तालियां मेरे ख्याल से जिगर के लिए। जिगर ने जो जिगर दिखाया है, जब प्रधानमंत्री जी ने आपका जिक्र किया उस वक्त क्या आप सुन रहे थे या आपने लोगों से सुना कि आपके बारे में बताया गया? जी नहीं, मैं तो नहीं सुन रहा था क्योंकि आप तैराकी कर रहे थे कहीं? नहीं, मेरा क्या होता है, मंडे टू सैटरडे 8 आवर्स का प्रैक्टिस शेड्यूल होता है, तो संडे को मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, कहा कि मेरे को और भी एनर्जी चाहिए नेक्स्ट वीक शेड्यूल करने के लिए। तो जब लोगों ने बताया तो उस वक्त कैसा फील हो रहा था मन में? हाँ, अच्छा लग रहा था कि क्योंकि देख के आसान नहीं है कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होना, एक एबल्ड बॉडीड होना, और उसके बावजूद आप ये जिक्र करें कि जो हमारे देश के जो विकलांग व्यक्ति है और वो भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं, देश का नाम दुनिया में रोशन कर सकते हैं। क्योंकि जब मेरा नाम लिया गया या प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, उससे पहले लोग समझ ले के अगर कोई डिसेबल पीपल है तो वो देश के लायबिलिटी है, वो एसेट नहीं है, उसको लोग लायबिलिटी समझते थे। और अब जब प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र किया है तो पहले मेरे को लोग बोलते थे
अरे तू तेरे को भी तू भी स्विमिंग कर लेता है क्या? अब तो पर लोगों को पता चल गया कि हाँ हम भी अच्छी खासी स्विमिंग कर लेते हैं। देखिए आप किसी का मेंटल स्ट्रेंथ जो है फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और माइंड। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप बाएं देखाव को जज ना करें, क्योंकि माइंड एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और पूरे बॉडी को चला सकता है। और आप ऐसे ही मेडल जीते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अभी शैतान सिंह जी भी हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया था, राजस्थान से आते हैं, आइए देखते हैं। आइए सुनते हैं एक फोन कॉल। नमस्कार, मेरा नाम शैतान सिंह, ग्राम आसपरा, जिला बीकानेर, तहसील पूगल और राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं ब्लाइंड व्यक्ति हूँ, दोनों आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मन की बात में, जो स्वच्छ भारत का जो मोदी जी ने कदम उठाया था बहुत ही बढ़िया है। हम ब्लाइंड लोग शौच में जाने के लिए परेशान होते थे, अभी क्या है हर घर में शौचालय बन चुका है, तो हमारा बहुत बढ़िया फायदा हुआ इसमें। ये कदम बहुत ही बढ़िया उठाया था और आगे चलता रहे ये काम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शैतान सिंह जी हमारे साथ हैं, तो काफी आपको फायदा मिला स्वच्छता अभियान से और खासतौर से शौचालय बनने से। जी सर, मैडम मैं देख नहीं सकता आंखों से, मैं ग्रामीण विस्तार में रहने वाला व्यक्ति हूँ। जो ग्रामीण विस्तार में क्या है कि शौचालय नहीं थे हमारे घरों में, तो शौचालय शौच में जाने के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी मेरे लिए। मैं क्या है कि देख नहीं सकता हूँ, तो किसी को साथ में ले जाना या शौच में जाएं तो कहाँ जाएं, हमारी बहन बेटियां या माताओं या कोई भाई घूमते रहते हैं चारों तरफ, तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। जैसे मोदी जी ने ये स्वच्छ भारत का कदम उठाया और सूचना दी कि हर घर में शौचालय बनना चाहिए, तो शौचालय बन गया, इसलिए अभी उसकी मुझे सुविधा मिली। तो मैंने सोचा मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कैसे दूँ, इसलिए मैंने मन की बात का फिर इरादा बनाया। मन की बात में मैंने फ़ोन किया और प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात रखी मन की बात में, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा जी। और प्रसून जी, हम जानते हैं कि आपने एक बहुत कैंपेन में भी काम किया है और आपकी कुछ पंक्तियां हैं इस पर स्वच्छ भारत मिशन पर, आप अपने मुंह से ही सुनाइए। नहीं नहीं, सबने सुना ही होगा, वो गीत है स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, तो खैर वो आप सुनिएगा जरूर, हर जगह अवेलेबल है, पर कुछ लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे, बहुत स्वच्छ भारत का इरादा। बहुत और अगली जो मेहमान हमारे साथ बैठी हुई उनका नाम है शिल्पी वर्मा जो कि बैंगलोर से आते हैं, आइए देखिए प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए क्या कहा था। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं शिल्पी वर्मा का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे संदेश दिया है और उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज में आर्टिकल पढ़ा था कि एक महिला ने फ्रॉड और चीट ईमेल के धोखे में आके 11 लाख रुपए गवाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। एक महिला होने के नाते मुझे उसके परिवार से काफी अफसोस है। शिल्पी हमारे साथ हैं, तो शिल्पी क्या आपको लगता है खासतौर से ऑनलाइन फ्रॉड्स पे आपने प्रधानमंत्री जी से अपनी बात शेयर की थी? हाँ बिल्कुल, बिकॉज हमारी लाइफ इतनी डिजिटल होती जा रही है, राइट फ्रॉम बैंकिंग टू एवरीथिंग, एक सब कुछ एक मोबाइल में सीमित होकर रह गया है। और जब एक पढ़ी लिखी एडुकेटेड महिला इतने एक ईमेल स्कैम के झांसे में आके पैसा गंवाती है और फिर अपनी जान दे देती हैं, तो एक हमारे एक कर्तव्य बनता है कि हम एक मैसेज दें जो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को आप बताएं कि जो आपको एक ईमेल आता है या व्हाट्सएप पे मैसेज आता है वो सब सही नहीं होता है, आप उसका ड्यू डिलिजेंस कीजिए, आप लोगों से पूछिए कि ये क्या ये सही है या नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने बड़े प्लेटफॉर्म पर ये बात करी, एटलीस्ट मुझे ये सेटिस्फैक्शन मिला कि लोग इस बारे में जान पाए हैं। और हमारे साथ जो अगले मेहमान हैं उनका नाम है कोमल ठक्कर, आइए जरा, उन्होंने भी ऑनलाइन की बात की है लेकिन संदर्भ अलग है, आइए जरा सुन लें। कोमल ठक्कर जी ने माय गॉव पर आपने संस्कृत के ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने के बारे में जो लिखा वो मैंने पढ़ा। आईटी प्रोफेशनल होने के साथ साथ संस्कृत के प्रति आपका प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने संबंधित विभाग से इस और हो रहे प्रयासों की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। कोमल
हमारे साथ हैं, तो कोमल ठक्कर, क्यों संस्कृत के प्रति आपका काफी लगाव है जिसकी वजह से आपने प्रधानमंत्री जी को ये सजेशन दिया? एक आईटी प्रोफेशनल होने के साथ साथ वी सी अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन टुवर्ड्स एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन, बट अगर हम अपने ट्रेडिशन को साथ में लेकर चल सकते हैं देन इट वुड बी वेरी ग्रेट थिंग. और इसके अलावा भी आई हैव गिवन सजेशंस ऑन माई गव, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम फॉर स्मार्ट सिटीज. फॉर स्मार्ट सिटीज वी आर हैविंग वेरियस पैरामीटर्स, सो मेरा सजेशन यही था कि बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स वी कैन हैव एन हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द सिटीज. कहने का मतलब ये कि सिर्फ मन की बात में ही लोगों ने शिरकत नहीं की, लेकिन जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर बनाए हैं जिसमें लोग आते हैं, अपने सजेशन देते हैं, अपने विचार रखते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया है. तो कोमल ठक्कर ने अपनी बात कह दी. हमारे साथ मोना कर्णवाल हैं बिजनौर से, आइए देखें उन्होंने क्या कुछ सुझाव दिया था. प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं मोना कर्णवाल बोल रही हूँ बिजनौर से. आज के जमाने में युवाओं के लिए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी बहुत महत्व है. उनमें टीम स्पिरिट की भावना भी होनी चाहिए और अच्छे लीडर होने के गुण भी होने चाहिए जिससे कि उनका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो. तो मोना जी, आपने ये जो उठाया था, क्या आपको लगता है कि समाज में इसकी वाकई कमी है? हाँ जी, बहुत कमी है. लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करती हूँ और ये जरूर कहना चाहूंगी कि इससे पहले हम इंटेलेक्चुअल की और सारे जो वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं उनकी बात की, मन की बात हम सुनते थे, पॉलिटिशियंस की सुनते थे जी. लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मोदी जी ने हमें इतना यूनिक प्लेटफॉर्म दिया है कि आम नागरिक अपने मन की बात बोल पा रहा है. और मोदी जी ना केवल हमारी बात सुनते हैं, उस बात को गंभीरता से संज्ञान लेके उस पे एक्ट भी करते हैं. आई वॉन्टेड हिम टू मोटिवेट यूथ टू ज्वाइन एनसीसी एंड दीज यूथ ऑर्गेनाइजेशंस. सो मैंने तो उन्होंने इनफैक्ट वो मीटिंग भी उन्होंने होल्ड करी थी उन ऑर्गेनाइजेशंस की, वॉलंटियर. या तो एंड इससे मतलब इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट तो होता ही है बिल्कुल कि, लेकिन लोगों में जागरूकता होती है कि हाउ टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड टू कंट्री. जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोना जी. और अगला जो मेहमान हमारे साथ हैं, सूरत प्रकाश उपाध्याय उनका नाम है, आइए जरा देखें किस प्रकार से उसका जिक्र उन्होंने किया. सूरज जी ने जो कविता भेजी है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं. शुरू हुई ललकार खेलों की, प्रतियोगिताओं के बाहर की, खेलों के इस महाकुंभ में, रियो की रुमझुम में, भारत की ऐसी शुरुआत हो, सोने चांदी और कांसे की बरसात हो. तो सूरज प्रकाश जी, क्या आप वाकई कविताएं लिखते हैं या एक विशेष कविता आपने ये प्रधानमंत्री के लिए लिखी थी जो कि रियो के खेल उनके बारे में? मैं कविताएं लिखता था पहले, लेकिन अच्छा, था क्यों? अब क्यों नहीं लिखते आप? कविताएं लिखता था मतलब कि मेरा स्पेशल विषय कभी स्पोर्ट्स नहीं रहा. अच्छा. जब मैं अपने गाँव गया तो मैंने देखा कि रोड पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे खिलाड़ी या बहुत सारे कहते हैं युवा जो दौड़ रहे थे, तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हुआ. मैंने कहा कि ये सभी लोग इतना दौड़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो शायद इनको वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसके ये हकदार हैं. और उसके लिए मैंने रियो ओलंपिक में खिलाड़ियों को इंस्पायर्ड करने के लिए अपनी कविता लिखी और उसको प्रधानमंत्री जी ने पढ़ा, जो मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक था. साथ ही मैंने उसके बाद से और इंस्पायर्ड होकर मैंने बहुत सारे लेटर लिखे जिसकी प्रेरणा स्रोत में श्री राजवर्धन सिंह राठौर जी ने खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया. और उसमें मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि ये केवल एक बड़े लेवल पे नहीं, छोटे छोटे गांव में जहां हमारे खिलाड़ी छुपे हुए बिल्कुल, बिल्कुल. हैं, जैसे हमारे मित्र हैं, बहुत ही शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है. बिल्कुल, सही कह रहे हैं. और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने खेलों को बहुत एम्फेसाइज किया है सूर्यप्रकाश जी, और फिट इंडिया का जो कैंपेन उन्होंने चलाया था उसमें तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने भी हिस्सा लिया था, तमाम लोगों ने हिस्सा लिया था. ये सारे कैंपेन्स वाकई काबिले तारीफ है जिनको लोगों ने हाथों हाथ लिया. बहुत सारे कैंपेन से पिछले चार साल में जो शुरू हुए उसको ये मन की बात के माध्यम से इट्स गॉट पॉपुलराइज्ड आल्सो इन अ वेरी बिग वे. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन आई हियर दिस पीपल, आज ये 50वीं एपिसोड में जो प्रधानमंत्री आज सुबह कहा, आवाज मेरी लेकिन एग्जांपल्स और विचार देशवासियों का. ये देखिए ये सब जो बोल रहे हैं और दैट इज द कनेक्ट. जैसे मैं पहले कहा, मैक्सिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ एवरी सिटीजन इन द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट. बिल्कुल. और आगे बढ़ते हैं, भार्गवी कनाडे हमारे साथ हैं जो कि पुणे से आती हैं, आइए जरा देखें उन्होंने
क्या कुछ सवाल किया था। मेरा नाम भार्गवी कानड़े है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप युवा पीढ़ी को वोटर्स रजिस्ट्रेशन के बारे में जागरूक करें, जिससे आने वाले समय में युवा पीढ़ी का सहभाग बढ़े और भविष्य में युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण सहयोग सरकार चुनने में हो और चलाने में भी हो सके। धन्यवाद। भार्गवी ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम रजिस्टर करवाने की बात और मतदान करने की बात, आपकी बात सही है। तो भार्गवी, आप काफी एक्टिव हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप जाते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जरूर जाती हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना पड़ता है, पर माय गव को तो जरूर मैं सब्सक्राइब करती हूँ, क्योंकि इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया जो इंटरैक्टिव गवर्नेंस के बारे में बोलता है, जिसमें आम आदमी अपने सुझाव या फिर अपने कमेंट्स उस प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। तो आप प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात भी हुई है इसी सिलसिले में? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी से मेरी 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, ये सजेशन देने के बाद इन 2015 उन्होंने एक्नॉलेजमेंट के लिए हमें दिल्ली में बुलाया था और एक बड़ा पैनल डिस्कशन जो माय गव पे एक्टिव सब्सक्राइबर्स है उनके लिए एक दिन का पूरा प्रोग्राम था, जिसमें डिफरेंट सोशल इश्यूज में हमने डिस्कशन किया था और प्रधानमंत्री जी से शेक हैंड तो जरूर हुआ, तो इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ कृष्ण कुमार जी भी हैं, जो कि रांची से आते हैं। आइए देखें प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से उनका सवाल लिया था। श्रीमान कुमार कृष्णा, उन्होंने माय गॉव पर लिखा है और एक प्रकार से जिज्ञासा भी व्यक्त की है। वो कहते हैं कि हमारे रहते हुए कभी गंगा सफाई का अभियान संभव होगा क्या? तो गंगा की सफाई को लेकर चिंतित है कृष्ण जी। कहाँ से आप? रांची से आते हैं जी। क्या आपको लगता है कि वाकई जो नदियां हैं देश की मैली हो गई हैं, उन पे हम सब लोगों को अपनी स्वेच्छा से भी कुछ करना चाहिए? हम सब नागरिकों का कर्तव्य है, और इसमें ये क्या है कि ये अवेयरनेस की चीज है, जिसपे कि हम माई गोव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जनता से सरकार को जुड़ाव का मंच है, और मैंने पाया कि मेरे जो भी विचार हैं, सजेशन है, व्यूज हैं, एक आम नागरिक के नाते कोई भी अपना इस मंच पर साझा कर सकता है, और मैंने भी अपने कई व्यूज लिखते रहता हूं, तो मैंने माई गोव पे इसको रखा था और मुझे काफ़ी अनोखा अनुभव रहा कि प्रधानमंत्री महोदय ने इसका जिक्र किया और इस पे अवेयरनेस हुआ, इस पे काफी काम भी हुए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट और भी तमाम मंत्रालय के लोग लगे। हमारे साथ डॉक्टर कमलेश उपाध्याय हैं, जिन्होंने उस एपिसोड में सवाल पूछा था जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा भी मौजूद थे। द सेकंड क्वेश्चन फॉर प्रेसिडेंट ओबामा कम्स थ्रू ईमेल। डॉक्टर कमलेश उपाध्याय, ए डॉक्टर बेस्ड इन अहमदाबाद गुजरात, आपकी पत्नी मोटापे और डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य की आधुनिक चुनौतियों से निपटने की दिशा में व्यापक सामाजिक कार्य कर रही है। भारत में भी ये चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। क्या आप और फर्स्ट लेडी, आपका कार्यकाल राष्ट्रपति के नाते समाप्त होने के बाद, इन चुनौतियों को निपटने के कार्य के लिए भारत आएंगे? तो डॉक्टर कमलेश हमारे साथ हैं। डॉक्टर कमलेश, क्यों आपने ये सवाल उठाया ओबामा के सामने? भारत युवा देश है, पर युवा भी तंदुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए ये बात को क्वेश्चन में छेड़ा था और उनका प्रतिसाद भी उन्होंने अच्छा दिया था। हमारे उपदृष्टा प्रधानमंत्री, जिनके कर्मों से एकात्मता भाव हमें दिखता है, उनके कार्यों के रूप में दिखता है, तो ये युवा मन को पहुंचने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ा माध्यम है जी। तो ये बात जो उनकी है, इसको लेते हुए हम अभी गुजरात में भी 27 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। 1008 युवा, हरेक युवा 108 सूर्य नमस्कार करेगा मोटे सूर्य मंदिर के ऊपर। ऐसी बातें प्रधानमंत्री की, जो आयुष्मान भारत की बात है या पीएम जय योजना है, सभी लेते हैं वो, प्रधानमंत्री चिंतित है, और श्रेष्ठ युवा तभी है जब उसका स्वास्थ्य सही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, प्लीज बैठिए। और दर्शन हमारे साथ हैं, जो कि मैसूर से आते हैं, उन्होंने भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात को उठाया था, आइए सुन लेते हैं।
मैसूर कर्नाटक के श्रीमान दर्शन ने माई गॉव पर लिखा है, उनके पिता के इलाज पर महीने दवाइयों का खर्च 6,000 रुपये होता था। उन्हें पहले प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जब उन्हें जन औषधि केंद्र के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने वहां से दवाइयां खरीदी तो उनका दवाइयों का खर्च 75% तक कम हो गया। दर्शन हमारे साथ हैं। दर्शन, बताइए अपना एक्सपीरियंस, खासतौर से जन औषधि को लेकर आपने बात अपनी रखी प्रधानमंत्री। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी स्ट्रोक सर्वाइवर हैं, तो उनका मंथली एक्सपेंसेस जो आ रहा था वो 6,000 के करीब आ रहा था। 2016 अक्टूबर में ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरुआत हुई थी, लेकिन 2018 तक मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई योजना है। जब मैं अकस्मात पोलियो ड्रॉप्स अपने बच्ची को लगाने के लिए गया था तब मुझे पता चला कि ऐसी कोई योजना है, और वहां से मैंने औषधि खरीदनी शुरू की और घर आके फिर देखने लगा कि ये औषधि और जो बाहर जो एक्सपेंसिव दवाई मिल रही है दोनों सेम है, लेकिन वो जो एक्सपेंस है वो बहुत कम है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में। तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरे लिए इतना बढ़िया काम चल रहा है तो क्यों ना बहुत गरीब लोग जो अपने इंडिया में हैं तो उनको लिए भी अगर आप मन की बात में अगर इसके बात बारे में शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी मिलेगा। और एक चीज इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने शेयर किया तो बहुत लोगों को पता चला कि ऐसी योजना है। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जनऔषधि योजना में जाके खरीदने लगे। लेकिन और एक प्रॉब्लम थी कि स्टॉक्स की बहुत कमी हो रही थी, तो लोग को वापस भेज दिया गया कि स्टॉक्स नहीं है अगले हफ्ते आए, ऐसे कुछ चल रहा था। फिर मैंने और एक लेटर लिखा माई गॉव में मोदी जी को कैसे ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मुझे बीपीपीआई से कॉल आया और 2-3 महीने के कंटिन्यूअस इंटरेक्शन के बाद ऐसा हुआ कि अभी कोई स्टॉक्स की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, ये जो फीडबैक वाली बात है प्रसून जी, जैसे कि वो बता रहे हैं कि स्टॉक नहीं था, उसकी भी जाके जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने शिकायत की तो वो वापस हुआ, ये एक जो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर जो एक योगदान हो रहा है उसके बारे में आप क्या? बिल्कुल, ये इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट। इसमें जो है जो कहा जा रहा है उसके बाद उसका रिएक्शन आपको सुनने को मिल रहा है, तो इसे डायलॉग जो हमने पहले भी कहा कि ये पार्टिसिपेटिव है, इसमें आपकी भागीदारी है। साफ दिख रहा है आपको कि आने वाले दिनों में हमें जैसा लोकतंत्र चाहिए, बिल्कुल, जो लोकतंत्र जिसमें पार्टिसिपेशन हो उसकी आपको झलक दिख रही। और अब दीक्षा हमारे साथ हैं, दीक्षा कटियाल जो कि दिल्ली से आते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए पहले सुन लें। मैं एक फोन कॉल तो आपको भी सुनाना चाहूंगा। दिल्ली से दीक्षा कटियाल बोल रही हूँ। मेरे पढ़ने की आदत लगभग छूट ही चुकी थी, इसलिए इन छुट्टियों में मैंने पढ़ने की ठानी। जब मैंने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना शुरू किया तब मैंने अनुभव किया कि भारत को आजादी दिलाने में कितना संघर्ष करना पड़ा है, कितना बलिदान देना पड़ा है। तो दीक्षा कटियाल हमारे साथ हैं। दीक्षा कटियाल, आप भी काफी एक्टिव हैं, माई गव के प्लेटफॉर्म पर भी आप लिखती हैं, जाती हैं। जी हाँ, मैं माई गव के प्लेटफॉर्म पे पहले वहीं एक्टिव हुई, क्योंकि नीलम जी पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे वहाँ इंटरेस्ट इसीलिए जागा कि वहाँ पे केडर इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने अभी को देखा, जिगर से बात हुई, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, किसी भी उम्र को बिलोंग करते हों, कहीं से भी आते हों, केडर आपका कुछ भी हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आप सजेशन दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत रेयरली अवेलेबल हैं कहीं और पे, तो इसीलिए मैंने माई गॉव में, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाती हूँ और पढ़ाई से ज्यादा सोच ही नहीं पाती हूँ, तो इसलिए माई गॉव पे पहले मैंने गंगा के बारे में कुछ लिखा था, क्योंकि हम लोग GIS करके एक सॉफ्टवेयर होता है उस पर काम करते हैं जिससे कि रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन का कैसे किया जा सकता है। मैंने आप ऐसे अभी आपके सामने आ जाएगा कि कितना पोल्यूशन गंगा में है कितना नहीं, वो आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में सजेशन दिया। okay. जिसके लिए मेरे को फीडबैक फिर CPCB और इसरो दोनों जो इसमें काम कर रहे थे 6-8 महीने बाद बार बार वो मुझे कंटैक्ट करते हैं, पूछते हैं कि जो भी आपने सजेशंस दिए वो मीट आउट हुए हैं कि नहीं है और क्या आप और कुछ इसमें एड ऑन करना चाहेंगे। बिल्कुल, बढ़िया बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मनीष महापात्रा हैं जो कि पुदुचेरी में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आइए जरा देखें उन्होंने क्या सजेशन दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बार जब मैं मन की बात को लेकर आप लोगों के सुझाव देख रहा था तो मुझे पुडुचेरी से
श्री मनीष महापात्र की एक बहुत ही रोचक टिप्पणी देखने को मिली। उन्होंने माय गॉव पर लिखा है, कृपया आप मन की बात में इस बारे में बात कीजिए कि कैसे भारत की जनजातियां उनके रीति रिवाज और परंपराएं प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे उनके ट्रेडिशंस को हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। मनीष महापात्रा हमारे साथ हैं। मनीष, क्यों आपको इसकी जरूरत महसूस हुई? जैसे हम आजकल जो जीते हैं, जो कि हम लोग बिजी शेड्यूल में रहते हैं, तो हम नेचर को भूल जाते हैं, नेचर के ख्याल रखने को भूल जाते हैं। तो हम लोग जो हमारे ट्राइब्स हैं, जो हमारे उनके कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो कि बहुत उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो कैसे विन इन हार्मनी विथ नेचर वो रहते हैं, वो कैसे हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, वो हम लोग हम प्रैक्टिस उसे एज ए मास मूवमेंट बना लें, तो ये नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा। और आपको लगा कि इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मन की बात है? बिल्कुल, क्योंकि जब मन की बात में जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो ये बहुत ही उनका जो भी बात बोलते हैं बहुत प्रभावशाली होता है, तो मुझे लगा कि उनसे ज्यादा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोनिका भाटिया जी भी हैं जो कि दिल्ली से आती हैं। मोनिका भाटिया जी ने क्या सवाल उठाया था, आइए जरा देख लें। एक क्वेश्चन है बराक के लिए, मोनिका भाटिया। मोनिका भाटिया ने बराक से सवाल पूछा है। Well, the question is, as leaders of two major economies, what inspires you and makes you smile after a bad day at work? And that's a very good question. You know, I say sometimes that the only problems that come to my desk are the ones that nobody else solves. If they were easy questions, then somebody else would have solved them before they reached me. मोनिका, आप भी रेगुलर मन की बात सुनती हैं या सिर्फ जब सवाल भेजा था तभी सुना था? जी हाँ, मैं रेगुलर भेजती रहती हूँ, मैं माईगव पे भी काफी इनपुट्स कंट्रीब्यूट करती रहती हूँ। तो आपको लगता है कि इस तरह के विषय उठाने से बात सब तक पहुंचती है और अवेयरनेस क्रिएट होती है? जी हाँ, आजकल हमारे डे टू डे लाइफ में काफी स्ट्रेस रहता है, हम लोग छोटी छोटी चीजों को लेके काफी परेशान होते हैं, तो बराक ओबामा जी यूएस के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके लिए तो कितना स्ट्रेसफुल होता होगा। बिल्कुल, तो इसीलिए आई गॉट रियली इंटरेस्टेड कि वो क्या कैसे अपना अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सविता राव हैं जो कि मुंबई से आती हैं, उन्होंने भी अपनी एक चिंता जाहिर की थी, आइए जरा देख लें। मुझे मुंबई से सविता राय ने एक टेलीफोन के द्वारा संदेश भेजा है। दिवाली की तैयारी के लिए हर साल हम अपने घरों को साफ करते हैं। इस दिवाली को हम अपने घरों के साथ साथ अपने बाहर के वातावरण को भी स्वच्छ बनाएं और उसे दिवाली के बाद भी स्वच्छ बनाए रखें। उन्होंने सही बात पर ध्यान आकर्षित किया। तो सविता जी, इस बार आपने दिवाली पे अच्छे से सफाई करी थी? डेफिनेटली। तो आपको क्या लगा, आपने ये जब बात प्रधानमंत्री जी को भेजी, आपको लगा कि इस बात को सुनकर बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे? यस, एक्चुअली बिफोर यू नो, इन 2013 आई स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड इंडिया कुछ कर, विच वॉज अबाउट यू नो इंस्पायरिंग पीपल टू कीप पब्लिक स्पेसेस क्लीन। ओके, सो जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत की शुरुआत की, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड सो आई सेंट इन द सजेशन के यू नो इनके माध्यम से हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं क्लिनलीनेस के लिए। एंड एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि मन की बात का एक डायरेक्ट आउटकम और भी आया है कि आफ्टर मीटिंग मोदी जी, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई हिम एंड आई स्टार्टेड एन इनिशिएटिव कॉल्ड इंडिया पॉजिटिव। अच्छा, वेयर इट्स वेरी सिंपल, वेयर वी आर इंस्पायरिंग एंड रिक्वेस्टिंग एवरी पर्सन टू डू समथिंग फॉर द कंट्री वंस अ वीक, once a week, every week, and the mathematics of this is one person can do 52 actions in a year. If 1 billion people join in, we can have 52 billion potential India positive actions. मेरे ख्याल से जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस तरह के efforts के लिए। प्रसन्न जी, खासतौर से प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि हम स्वेच्छा से क्या कुछ कर सकते हैं, और यही वजह है कि बहुत सारे जन आंदोलनों को खड़ा किया है मन की बात में। बिल्कुल किया। मैं आपको इस पे कुछ चीज सुनाता हूँ। जी सुनाइए जरूर। देखिए, अगर ये शुरुआत मुझसे होगी, अगर हर व्यक्ति सोच ले, हाँ बिल्कुल, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी कविता है कि बंजर धरती के सीने पर, बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर। क्या बात है। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे। अरे वाह, एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। सूरज मुट्ठी के अंदर हो
और दरारों से उंगली की छलक रोशनी फर्श पर दिखते मुमकिन है। रात अंधेरी किसी सड़क पर, रात अंधेरी किसी सड़क पर एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर पे हंसता जाए मुमकिन है। क्या बात है। ख्वाबों को आंसू नहलाना और फिर दुल्हे धुले ख्वाबों को देखना फिर से देखते जाना मुमकिन है। एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की एक सफर पे चलते जाना मुमकिन है। रस्सी बांधें और सब खींचें, आसमान को जमीन पे लाना मुमकिन है। हाथ बढ़ाना, बादल छूना और निचोड़ के एक बादल से होंठ भिगोना मुमकिन है। अब आखिरी में इसका मैं अंत में आपको ले आता हूं। बहुत बहुत अच्छी कविता है ये। घने किसी का पीड़ा हम घने दरख्तों के साये में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन है। खिली खिली सी धूप की रुत में सर्द रात की टीस सोचना मुमकिन है। एक दीपक का तूफानों से आओ खेले कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। वाह वाह वाह। आंख हजारों पर एक सपना मुमकिन है। प्यास हजारों पर एक बारिश मुमकिन है। क्या बात है, बहुत खूब। जी हाँ, और ये मुमकिन है का जज्बा ही है जो हमसे कुछ करवाता है। और ऐसा ही जज्बा इन जो हमारे अगले मेहमान हैं इन्होंने भी दिखाया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। संतोष नेगी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से संतोष नेगी जी ने फोन करके अपना एक अनुभव शेयर किया है। हमें आपकी प्रेरणा से अपने विद्यालय में वर्षा जल ऋतु शुरू होने से पहले ही 4 फीट के छोटे छोटे 250 गड्ढे इनके मैदान के किनारे किनारे बना दिए थे ताकि वर्षा जल उसमें समा सके। इस प्रक्रिया में खेल का मैदान भी खराब नहीं हुआ, बच्चों के डूबने का खतरा भी नहीं हुआ और करोड़ों लीटर पानी मैदान का हमने वर्षा जल सब बचाया है। संतोष नेगी, आपने जो किया है उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। जल का संचयन किया है, जल ही जीवन है। और प्रसून जी ने तो मेरे मन की बात बोल दी, मुमकिन है। गर्मियों की छुट्टियों में जब लोगों का मूड होता है कि हम घूमने जाएं, तो हमने जन भागीदारी से बच्चों को साथ लेके पानी को बचाने की कोशिश की, क्योंकि दिमाग में था मुमकिन है। और दूसरा, माई गॉप के थ्रू हम जो मिलते रहे तो प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका भी हुआ। मैं इसका एक आफ्टर इफेक्ट भी बताना चाह रहा था मन की बात का। जब हमने मन की बात ये प्रोग्राम हो जाता है उसके बाद पीएम साहब से भी मिलके आते हैं, तो हम हर चीज में एक नई चीज जोड़ते हैं, जन भागीदारी। इस जन भागीदारी को हमने अपने शहर कोटद्वार में लागू किया और इसकी वजह से हमने सोचा कि जो दूर की बालिकाएं हैं उनको साइकिल दी जाए। आज 1 लाख रुपए की साइकिल हम बालिकाओं को दे चुके हैं। 14 ऐसे बच्चे जिनके घर में बिजली नहीं है, हम सोलर पैनल फिट कर चुके हैं। 100 से ज्यादा बच्चों का कॉपी किताब ड्रेस जूते चप्पल सब कुछ कोटद्वार के शहर और हमारे शिक्षक मिलके भर रहे, क्योंकि दिमाग में है मुमकिन है। जोरदार तालियां एक बार। दिस इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द प्रोग्राम। बैठ जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुमकिन है की ही मिसाल हमारे अगले मेहमान भी हैं, डॉक्टर अजीत मोहन चौधरी। इनकी अचीवमेंट पर भी प्रधानमंत्री ने बात की थी। जब मुझे कानपुर के डॉक्टर अजीत मोहन चौधरी की कहानी सुनने को मिली कि वो फुटपाथ पर जाकर गरीबों को देखते हैं और उन्हें मुफ्त दवा भी देते हैं, तब इस देश के बंधु भाव को महसूस करने का अवसर मिलता है। जोरदार तालियां मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब जिस प्रकार का काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर, तमाम कार्यक्रम मैं करता हूं, मेरा एक एनजीओ भी चलता है जिसमें मैं इलिटरेसी को मिटा रहा हूं। अब तक मैं 8,000 इलिटरेट लोगों को साक्षर बना चुका हूं, जिसका नाम है सरल सेवा समिति। इसी कड़ी में मेरे मन में मैं पोते नाती पोते वाला हो गया हूं, मेरे मन में एक बात आई कि मैं और सेवा करना चाहता हूं। तो उसी सिलसिले में मैं एक दिन अपने एक टेबल को कुर्सी लेके सड़क के किनारे बैठ गया कि मैं अब गरीबों को देखूंगा, उनको दवा दूंगा। डॉक्टर साहब आपको साधुवाद हमारा और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप जो काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभिषेक कुमार पांडे हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने क्या कुछ अपनी बात रखी, आइए देखते हैं। मुझे उत्तर प्रदेश के श्रीमान अभिषेक कुमार पांडे ने फोन किया है। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार पांडे बोल रहा हूँ गोरखपुर से। बतौर एंटरप्रेन्योर मैं आज यहाँ वर्किंग हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत ही बधाइयां देना चाहूंगा कि उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है मुद्रा बैंक। हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जो भी ये मुद्रा बैंक चल रहा है इसमें किस तरह से हम जैसे एंटरप्रेन्योर उद्यमियों को सपोर्ट किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है।
अभिषेक जी धन्यवाद। अभिषेक जी काफी फायदा हो रहा है आपको और उसको आपने साझा किया पीएम के साथ। आज मुद्रा बैंक योजना के कारण मैम मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो चुकी है। अच्छा? जो लड़का मुद्रा बैंक योजना में बात करने के पहले अपने खुद के रोजगार के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज वो 3 साल के अंदर वो लड़का आपके सामने, उसने 100 से लोगों को अधिक रोजगार दे दिया है और आज आपके सामने यहाँ पे दूरदर्शन के बुलावे के कारण ये कमिटमेंट करता है कि अगले 2 साल से 3 साल के अंदर वो कम से कम 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स पीएम साहब को। और 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगा पीएम साहब के लिए, ऐसे पीएम बहुत सौभाग्य से मिलते हैं कि जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिल साथ तू, जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिल साथ तू, और तू ना रहे दुनिया में तो दुनिया को आया तू। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक आखिरी मेहमान जो हमारे साथ, जिनके जिनके सुझाव को शामिल किया, सत्यम सिंह दिल्ली से हमारे साथ हैं, आइए देखते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम सत्यम है, मैंने इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। हमारे स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स के समय आपने हमसे एग्जाम्स, स्ट्रेस और एजुकेशन की बात करी थी, मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए अब आपका क्या संदेश है? तो सत्यम, जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को शामिल किया उस समय कैसा लगा था आपको? जी बहुत अच्छा लगा था। स्ट्रेस कुछ कम हुआ था? स्ट्रेस कम हुआ था। बोर्ड्स के टाइम पे इतना स्ट्रेस बढ़ गया था, हर जगह होता है कि आप हर जिसको भी आप देखो कहते हैं कि पढ़ लो, एंड अब कॉलेज में आके इट्स टोटली डिफरेंट। जैसे कि आप देखते हैं दिस इज, मतलब स्कूल से जब आप आते हैं तो इट्स टोटली न्यू एनवायरनमेंट, स्टडीज बिकम आर डिफरेंट। सो जैसे कि अभी भी एग्जाम्स कॉलेज के सारे आ रहे हैं, सो इट इज अ लॉट ऑफ पीपल आर इन स्ट्रेस राइट नाउ, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज दे हैव नेवर डन समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज अ टाइम वेयर यू लर्न अ लॉट एंड वेयर यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर सम गाइडेंस। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। तो हमने तमाम लोगों की बात को सुना, उन्होंने अपने विचार प्रधानमंत्री जी से, अपने मन की बात, दिल की बात शेयर की और प्रधानमंत्री जी ने उनके सुझावों को सराहा, उनके अचीवमेंट्स को सराहा। हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं, फाइनल कमेंट्स लेंगे। सूर्यप्रकाश जी, ये यात्रा 50 एपिसोड की तो हो गई लेकिन अभी यात्रा तो अनवरत चलने वाली है, किस प्रकार से आप देखते हैं इस आने वाली यात्रा को, और खासतौर से एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर का जो एक रोल होता है टू इन्फॉर्म पीपल, उस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को आप किस प्रकार से आगे ले जा रहे हैं? देखिए, जब ये प्रसार भारती सृष्टि हुई 21 साल पहले, जी, संसद ने हमको कुछ आदेश दिया है, इसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और परंपरा को मजबूत करने का काम हम करना चाहिए, इस देश की विविधता जो है उसको हम समझना चाहिए और विविध कलाओं को, सबको एक जगह, एक स्थान, मर्यादा देना चाहिए, ये सब जिम्मेदारियां हमको है। दूसरी बात, विमेन, चिल्ड्रन एंड द डिप्रेस, डाउन ट्रॉडन, उन पर ज्यादा निगाह होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं ये संसद का जो आदेश है जो हमको मिले हैं, ये मन की बात, हम ये प्लेटफॉर्म हमारा ही होना चाहिए, एक कारण। दूसरी बात, जैसे प्रशुन जी की जो कविता है, मुमकिन है। मुझे लगता है ये 4 साल में 100-150 उदाहरण आपको, ये मुमकिन है का ये जो उदाहरण आपको मिलता है ये मन की बात में, इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट एंड इट एनकरेजेस वॉलंटियरिज्म एंड पॉजिटिविज्म इन द कंट्री। और भावी में जो प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, उनके ऊपर मोदी जी ने, ही इज गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ दिस थिंग ऑन देम, द डिमांड ऑन देम विल बी ऑन देयर टाइम एंड एफर्ट, एंगेजमेंट विद पीपल विल बी वेरी ह्यूज। प्रसून जी, आप क्या कहेंगे अपने फाइनल कमेंट्स? नहीं, मैं तो कहूंगा कि जो ये एक शुरुआत हो चुकी है मन की बात के माध्यम से, ये बस अब चलती रहनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये अब ये जो नदी बह चली है ये अपने सागर से भी मिले और ये इसको सतत प्रवाहित रहना चाहिए। और ये इतनी सुंदर शुरुआत है, और जब मैं इतने सारे लोगों की बातें सुन रहा हूँ, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोगों ने देश के संज्ञान में, प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में कई चीजें उनके लेकर आए हैं, तो ये सिलसिला जो है अब चलते रहना चाहिए। और आपसे मेरा आग्रह है, जो ये कार्यक्रम को आगे आप लोग बढ़ा रहे हैं, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया, क्योंकि ये बहुत ही सार्थक कार्यक्रम है, और इस चीज को आगे बढ़ाते रहें
और मन की बात के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं और जो ये लोग हैं, और आप लोगों से भी यही आग्रह कि अब शांत ना हो जाएं, क्योंकि शाबाशी मिल गई तो उसका फिर अब दायित्व भी आप पर है कि आप उसको आगे ले जाएं और उसके लिए जो है सुपात्र रहे हमेशा। और मेरे ख्याल से आपकी इसी बात से हम ये कार्यक्रम खत्म करेंगे। आप दोनों मेहमान हमारे साथ यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो तारे जमीन पर हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि मन की बात इसी प्रकार से हमारे और प्रधानमंत्री जी के मन के बीच हमेशा चलती रहेगी, इसका सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि देश और समाज बदलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।